भैयन के सामने रखा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के 128वीं जयंती के शुभ पावन अवसर पे इस पावन पवित्र खिमईपुर जौनपुर की पावन धरती पर विरह का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आप सब दूर दराज से आए हुए आदरणीय बुद्धिजीवी महान भाव गुरुजनों प्यारे सजनों पिता तुम बुजुर्ग माताएं बहन भाई और नौजवान साथियों सम्मानित विरह के प्रेमी श्रोता बंधु तमाम इस कार्यक्रम में आए हुए रिश्तेदार नातेदार एवं नन्हे मुन्ने देश के करधार बच्चे प्रिय स्नेही मित्र दोस्त यार प्यार भरा मोहब्बत इस दिल की गहराई से मैं गायिका सरो सरगम एंड पार्टी के साथ मिर्जापुर की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। आज बड़ी सौभाग्य की बात है, ईश्वर भगवान स्वरूप आप सबको देखने को दर्शन मिला, हम कलाकारों को सेवा करने का मौका मिला, तो बताया गया एक भारतीय संस्कृति परंपराएं हैं। इंसान कोई भी कार्य करता है पहले अपने इष्ट देवी देवतन के मना चुना के, ऐसे तो देवी देवताओं घर घर पूजनीय है, लेकिन हर देवी देवताओं का भी कार्य अलग अलग होता है। जैसे मैं जैसे बल को चाहने वाले बजरंग बली को मानते हैं, जेके धन दौलत के चाहत बा लक्ष्मी गणेश के मानत बा, जेके मेहरारू चाहत बा भाई उन्हों को कोनो देवता हुई है, आता राम राम रहीम दीक्षितवा बस करे बहुत लंबा लिस्ट बा। हम कलाकारन के स्वर की चाहत है
हम चलते हैं अपने आराध्य अपने देवी देवता की ओर, जो कि कबीर के गीते कविताएं भी बताते हैं कि ईश्वर भगवान तो सब जगह पर है, लेकिन लोगों की श्रद्धा आस्था होनी चाहिए। दो मिनट के लिए कैसे मास्टर ले बना के
हमारे आपके देवताओं को असुर बताया गया, जैसे महिषासुर, ब्रतासुर, गयासुर, शंभ्रासुर, बाणासुर, कृष्णासुर, हमारे देवता है, धन्य है, महान है आप। भजन भाव की दूसरी लहर में पिछड़िया बताओ तो बात